अगर बंदे में थोड़ी मतलब उसका भी थोड़ा होना चाहिए नहीं सर, फाइल तो जो बनाएंगे जो आपको मैंने बोला ना, आपके आगे वाले समय के लिए भी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी कोई बात हो जाए, 50-60 रुपए महीने का इनका वो बीमे का होता है एक ही बार, वो आप इनका सब लेबर का करा दो तो आगे से ये प्रॉब्लम नहीं है। ये बात इंश्योरेंस पहले हम लोग करते थे, जरिए होगी तो बहुत अच्छा है, आप करवा दे, मैंडेटरी कर देना लेबर का सब। मिस साहब तो रूल ऑफ टास्क फोर्स का नहीं, पहले मैं जहां रहा हूं वहां हमने यहां नहीं, यहां होना चाहिए। तो सर ये जब से आजकल ज्यादा जनधन ज्यादा पापी रहा नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे बॉर्डर से लेबर इनके बाहर गया तो ब्रदर क्या कहना चाहते हैं? कल वैसे भी संडे था, सुबह ऐतवार को छुट्टी होती है, छुट्टी के दौरान भी लेबर लगी हुई थी, अभी लग गई है कल की, डेथ हो गई है, बैठे हैं इनके दफ्तर के आगे आके उसको हक दिलाने के लिए, क्योंकि सरकार ये क्या कहती है सेंटर जी। उसमें मदन लाल जो चंदूजा के रहने वाला, जिसकी आज सुबह ही डेथ होगी, उसके लिए इनके जो ऑफिसर आए उनसे हम सब की बात हुई है और उनने अभी तक जो वो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने कमिट किया। एक तो एक्स ग्रेशिया 2 लाख मिलेगा, उसके बाद 4 से 8 लाख तक जो एक्स ग्रेशिया मिलेगा वो कंपनसेशन को मिलेगा, उसके साथ ही उसके जो बेटा है उसको अडाग भी इस पे वो रखेंगे, उसकी मदर को भी ये रखेंगे दोनों को, और उसके बाद भी जो जेनुअल स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है वो करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे भी कहा कि अगर आने वाले समय में हमारे 30% वैकेंसी होती है जो हमारे पास कैजुअल लगे हुए थे, उसमें भी जितनी सपोर्ट वो कर सकेंगे उसको उसमें करेंगे, और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि जो जेनुअल हम कर सकते हैं और कमिटमेंट वो उन्होंने कहा जो वो कर सकते हैं वो सब ये बात कहेंगे, और उनकी पूरी हमदर्दी भी परिवार के साथ है, ये जो बातें उन्होंने हम सब के साथ कमिटमेंट की है। ये कमांडर हमारे पास हैं, उनके जो नेता हैं लोगों के, इनसे डिटेल में बात की है इन्होंने,
तो उनकी जो जो डिमांडें थी इन्होंने वो पूरा करने के लिए मान गए हैं जी। नौकरी के लिए जिस एनालॉजी पे उसके फादर को लगाया गया था उसी एनालॉजी पे सेम अपॉइंटमेंट उनको ये काम करेंगे फादर की जगह, जैसे उनकी टर्म्स सत्य थी वैसे ही इनका बेटा भी लग जाएगा। तो सर कंपनसेशन की तरफ